Deep in the heart of the Karakoram Mountains, there is a beautiful 7,000 meters high peak that has two names. From the Hunza side, it is called the Golden Peak, and from Baltistan side, it is called Spantik, which means little garden. In the summer of 2008, Ahsan, Thorsten and myself set out of Islamabad to climb this peak. This is the story of that expedition. पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आज शायद आज पहुंच जाएं अभी तक 5:30 हो चुके हैं और हम सड़क पर ही हैं मेबी रात 9-10 बजे तक हम स्कर्दू पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे कल लास्ट मोमेंट शॉपिंग करेंगे और परसों हम स्पंटिक की तरफ निकल जाएंगे ओ ये स्पंटिक किस चिड़िया का नाम है ये आज हम चिड़िया ये 2-4 दिन में हम देखेंगे किस चिड़िया का नाम है ये चिड़िया नहीं है ये बहुत बड़ा चील है चील करने क्या जा रहे हो मेरी वहाँ किराने की दुकान है सामान लेके जा रहा हूँ आप जैसे टूरिस्ट हजरात आते हैं तो उनको मैं बिस्किट बेचता हूँ कहाँ पे स्पंटिक बेस कैंप पे गाड़ी में इस्लामाबाद से स्कर्दू तक का सफ़र बहुत लंबा और थका देने वाला है गाड़ी में आपको तकरीबन 22 से 24 घंटे लगते हैं इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हुए हैं आज मोरखा 15 जुलाई 2008 है हम लोग इस वक्त स्कर्दू में हैं और हम स्पांटिक की चोटी सर करने जा रहे हैं वेलकम टू द एडवेंचर शो कैन आई हैव माय वॉच बैक नाउ या डूड थैंक यू यू कैन हैव योर वॉच बैक नाउ बाय द वे इस एक्सपीडिशन में मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ दो क्लाइंबिंग पार्टनर्स भी हैं जो कि इस शो के मेहमान भी होंगे पहले जो हमारे मेहमान हैं वो हैं थॉर्स्टन मार्को हाय I think me and Wajahat, we have been planning this since 4 years or so. I mean, I became friends when I used to live in Pakistan. I'm not here anymore. And especially after I walked to the K2 base camp 2 years ago, I knew I really want to climb this mountain. And so I'm very happy that we finally put it together. And I hope we're going to have a great time as well. Thorsten, Spantik kis chidiya ka naam hai? What? Never mind. हमारे दूसरे मेहमान हैं जी एहसन हैदर साहब फ्रॉम लाहौर ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं और अपना तारुफ खुद करवाएंगे हाय मेरा नाम एहसन है जैसे कि आप गुजरात में बताया और वेल मैंने वजात को मैं वजात से मिला था तकरीबन 2 महीने पहले और वजात वाज प्लानिंग फॉर स्पैंटिक एक्सपीडिशन और फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड ऑन एंड सिंस देन वी हैव बीन प्लानिंग आई डिड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस माउंटेन लास्ट ईयर
but unfortunately I was not able to climb. Hopefully is saal hum log kar payenge. Yaar ye Spantik ka rasta kidhar se hai? Spantik mein aaj tak gaya nahi hai sir, na Shikhar ki side pe hoga. Shikhar ki side pe? Uncha paad hai, chota paad hai? Par wo pata nahi hai sir mujhe. Ye pagal logon ka kaam hai? Pata nahi sir, maine aaj tak gaya nahi. Shikhar side se main aage gaya hi nahi hai sir. Welcome to Spantik Expedition 2008. Have fun. स्कर्दू बल्तिस्तान रीजन का सदर मुकाम है और जितने भी एक्सपेडिशंस काराकोरम माउंटेन रेंज में क्लाइंबिंग के लिए आते हैं वो अपने इंतजामी अमूर स्कर्दू शहर से ही तय करके आगे निकलते हैं। इस वक्त हम स्कर्दू के बाजार में मटर गश्त कर रहे हैं। एक्चुअली थॉर्सन वांट्स टू बाय अ लॉट ऑफ स्टफ दैट ही रियली डजंट नीड एंड सो वी आर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस लुकिंग फॉर व्हाट आई नीड अ हैट जर्मन चीज German cheese, the German sausage. I don't find sausage here, but I need an ice axe, a long one maybe. I think your ice axe is already with Wajahat. It's too short. अब हो ये रहा है कि basically Spantik जाने से पहले last minute shopping बहुत जरूरी है. ये ना हो कि वहाँ पे पहुँचे और पता चले कि हमें जो चीजें जरूरी चाहिए थी वो नहीं है हमारे पास. So we are going all over the place shopping for a lot of stuff which we actually do need. Let's go. Northern climbing equipments. Assalamu alaikum. Ameen sahab, kya hal hai aapka? Tala laga hua tha? Abhi hum daka dalne lage the waise. It works. There's just 1 liter. Yeah, this is very good one. It will keep This is for baby milk. Isme doodh bana ke in bachon ko pilayenge. Yeah, you guys would like milk on base camp in this? Total you can see it. Not foldable. Wood sticks. Yeah, this is foldable. इस तरह के दो हैं हमारे पास ऑलरेडी लेकिन उनका साइज ये है छोटी वाली है ये रख लें This looks good, man. You look like Jose Ponderosa. Adiós, ahora pues. Ya no aguanto más esta situación, verde Dios. Mira las cosas tal y como son. Yo ya no soporto. Washing powder. Glucose. साबुन मेरी नरम जिल्द का राज हो गया सर ₹476 की शॉपिंग आपकी दुकान का नाम क्या है अमीन जनरल स्टोर ये अमीन जनरल स्टोर से हमने शॉपिंग की है सर आपकी तो बड़ी मशहूरी होगी दुकान टीवी पे आएगी बहुत मेहरबानी टू कम्युनिकेट टू से यू नो दैट ही कुड से आई एम रेडी नाउ आई गो अप और दे से यू नो वी गोइंग टू समिट नाउ या आप देख रहे हैं सारा सामान जो बिखरा हुआ है ये थॉर्सन की चीजें पड़ी हैं ये मेरी चीजें पड़ी हैं ये देखें क्लाइंबिंग शूज दुनिया का गंद इधर पड़ा हुआ है अब ये सारे सामान को हमने सॉर्ट आउट करना है और इसको फिर हमने अपनी अपनी जगहों पे फिट करना है लाइक क्लाइंबिंग गियर एक ड्रम में जाएगा पर्सनल गियर उस बैकपैक में जाएगा या दिस इज हाउ वी नीड टू मेक स्मॉल वेयर द कपड़े पैक करने और गियर पैक करने के अलावा जितना भी खाना है वो सारा पैक करना पड़ेगा ड्रम्स के अंदर और जो हमारे हाई एल्टीट्यूड हेल्पर्स हैं दीदार और करीम साहब जिनसे अभी तक आप मिले नहीं हैं अभी वो आ जाएंगे तो आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी आज ना हुई तो कल सुबह तो होगी जब हम जीपों में बैठ के रंदू की तरफ रवाना होंगे वो सारा खाना आज तकरीबन पैक होना है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी वो सब कुछ जीपों में डंप करेंगे और सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और रंदू पहुँच के सारा खाना गियर एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट पुट इनटू ड्रम्स फिर वो ड्रम्स पोर्टर्स को असाइन होंगे
हर ड्रम का वजन किया जाएगा 25 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं होना चाहिए. एक पोटो सिर्फ 25 केजी उठाता है. दिस इज़ अ लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट एंड आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमन. लॉट ऑफ प्रिपरेशन kind of sucks, but this is how expeditions are run. I got these spare glasses, you know. Really funny. Cool. Yeah. Okay, now here is yummy. Ah, how do I get this? What's that? Scrambled eggs with onions in powder form. Oh. That's bad. That must be horrible. Man, I don't want to see that. Scrambled egg with onion. It's more like it. Chicken soup is noodles. Yeah, that's good. Yeah, hai chocolate muesli with milk. Basically, ये जो लफाफा आपको नज़र आ रहा है ये हाई अल्टीट्यूड का खाना है. जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो आप ज़्यादा वज़न उठा नहीं सकते. ये बहुत लाइट है, बहुत हल्का है. आप ये करते हैं कि इसके ऊपर से स्ट्रिप फाड़ के इसको आप गर्म पानी में डुबो के 5 मिनट के बाद निकालते हैं तो इसके अंदर जो फूड है वो रेडी होता है. बस आप खाएँ इसको आराम आराम से. वैसे बाय द वे आपस की बात है कि हाई अल्टीट्यूड पर खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता और ख़ास तौर पे ये अंग्रेज़ी फ्रीज ड्राइड खाना जो है. एनीवे हाई अल्टीट्यूड स्नीकर्स आई जस्ट डू नॉट लाइक स्नीकर्स. आपको एक और चीज़ दिखाते हैं. कम स्पैंटिक 2000. ये देखें जी, ये K2 मोटेल जो कि एक बहुत ही तारीखी होटल है. यहाँ पे जितने भी एक्सपीडिशंस पुराने ज़माने से आज तक क्लाइंबिंग के लिए आते हैं वो यहाँ पे ठहरते हैं ज़्यादातर और फिर यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं अपने पहाड़ की तरफ. बहुत लेजेंडरी और बहुत ही तारीखी जगह है K2 मोटेल. और आपको जैसे नज़र आ रहा है पूरे कॉरिडोर्स के अंदर दे हैव दीज बोर्ड्स विद एक्सपीडिशन पोस्ट कार्ड्स एंड मेमोरेबिलिया स्टक हियर. Yeah, we have the Park German Spantik Expedition 2008. Yeah, this is Park French Spantik Expedition. ये देखें जी, नासिर अवान थे इसमें, उमर अजीज, कुदरत. ये एक और Spantik Expedition. ये देखें, ये है जी कैंप 3 के पास. ये दो खवातीन चढ़ रही हैं Spantik 7027 near camp 3. Anyway, इसी तरह बहुत सारे ये बोर्ड्स लगे हुए हैं पूरे कॉरिडोर्स के अंदर जहाँ पे लोगों ने सारे अपने एक्सपेडिशंस ने अपना मेमोरेबिलिया यहाँ पे चिपकाया हुआ है. लेट्स सॉर्ट मोर स्टफ. वी कैन लुक एट द पिक्चर्स लेटर. गुड मॉर्निंग. थॉर्स्टन के साथ रह रहे कि मैंने भी काफी जर्मन सीख ली है. द डी डे हैज अराइव्ड. वी आर ऑफ टू क्लाइंब Spantik पीक. Thorsten is brushing his teeth. Ahsan is ghaib as usual. Jeeps are ready. Let's rock and roll. Assalamu alaikum. Kareem saab, kya haal hai? Khair khairiyat. Didar. Piyal bila kako. Kako. Piyal bila. Karriere. Good morning. Ja, danke, sehr gut, alles klar. Good morning. Good morgen. What's the date today? 16th. आज 16 तारीख है. जीपें तैयार हैं. सारा सामान लोड हो चुका है. अभी हम जा रहे हैं अरंदू. बहरहाल, this is the beginning of the expedition. This is the D-Day. And we are all ready. ये हमारे हाई अल्टीट्यूड हेल्पर होंगे करीम साहब. ये दीदार है, ये भी हाई अल्टीट्यूड हमारे हेल्पर हैं. ये हमारे साथ क्लाइम करेंगे. ये हमारे कुक हैं और ये हमारे कुक के साथ हेल्पर होंगे. दिस इज़ आवर जीप. चलें जी.
Let's rock and roll. स्कर्दू से निकलने के बाद हमारी पहली मंजिल अरंदू थी। वादी शिगर से होते हुए स्कर्दू से अरंदू विलेज तक का सफर तकरीबन 7 घंटों पर मुश्तमिल है। अरंदू तक का सफर बहुत खूबसूरत मगर इसका जीप ट्रैक काफी दुश्वार गुजार है। Chitron. What does that mean? It means hot springs. We have some hot springs over here. We can have some bath in the hot springs. All right. And get right. Fresh. Get fresh and hot. Yep. ये जगह है जी चित्रौन। हम तकरीबन 3 घंटे अरंदू से पहले हैं और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं काफ़ी सारे। बाकायदा उन्होंने ऊपर छत बनाया हुआ है हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर और अपनी पूरी प्राइवेसी में यहाँ पे आप हॉट बाथ ले सकते हैं। सो व्हाट यू से बिफोर वी हिट द फूड वी शुड गो फॉर अ हॉट डिप। लेट्स हैव अ डिप। यस लेट्स हैव अ डिप। वाह 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 वाह। ये देखिए जी हॉट स्प्रिंग ऊपर छत बनी हुई है। अरंदू गांव से तकरीबन 3 घंटे पहले ये चित्रौंग नामी एक गांव है जहां पर गर्म पानी के चश्मे हैं। आसपास के गांव से लोग यहां पर आकर नहाते हैं। ये कुदरती तौर पर गर्म पानी जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए काफ़ी मुफीद समझा जाता है। We have some cold springs also. क्या कर रहा है? Exactly. No more warm water. It's true what Thorsten has said. 3 hafte tak nahane ka koi seen nahi hai. So enjoy as long as it lasts, boys. अरंदू विलेज और 7 घंटे की ड्राइव के बाद स्कर्दू से निकलने के बाद हम लोग अरंदू विलेज पहुंच चुके हैं। ये कैंपिंग साइट है। आज हम इधर रहेंगे, अपना सामान सॉर्ट आउट करेंगे, पोर्टर्स यहां से हायर करेंगे, पोर्टर्स को सामान एलोकेट होगा और कल हम यहां से अपना वॉक शुरू करेंगे टूवर्ड्स स्पांटिक बेस कैंप। You are so funny, Thorsten. No, but it's perfect. This is our campsite. और कल यहीं से पैकअप करके हम आगे
base camp ki taraf ravana honge. Do you like the campsite, Thorsten? Yes, we have to clean this up a bit so we don't sleep directly on the stone. Yeah. No, that's what they do. They're cleaning it up. Wow, this is beautiful, love. We are in the realm of the mountains. Look. सुबह होते ही कैंप में पोर्टर्स जमा होना शुरू हो गए और हर पोर्टर को वजन करके उसका बोझ दे दिया गया। हमारे एक्सपेडिशन में तकरीबन 26 पोर्टर्स थे। एक एक जरा मेरी बात सुनेंगे सारे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, सारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम सारे आराम से जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को हर एक को अपना बोझ दे दिया गया है, ठीक है, एक दूसरे से बोझ खींचने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका सरदार आपके साथ है, ठीक है, अपने सरदार के साथ तावन करें, ठीक है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बोझ खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सुकून से गुजारिश है, एक बल्कि इल्तजा है कि खुदा के लिए आराम से चलें आप, लड़ाई शड़ाई ना करें, बोझ छोझ ना खींचें एक दूसरे के से, बस इतना इतनी सी बात है, ठीक है, और कोई इतना मसला नहीं है। बाकी गपशप लगेगा, अच्छे तरीके से हम सफ़र करेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। What? The Hunza Shitrali kept. Yeah, I know. Here, dude. अभी जैसा कि आपने देखा होगा ख़वातीन हज़रात, इमाम ने अपने ट्रूप्स के आगे तकरीर की ताकि ट्रूप्स की आपस में म्यूटनी ना हो और वो बाकी लोगों के साथ तावन करें और कोई ऐसा मसाइल पैदा ना हो। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, दीज आर ब्यूटिफुल पीपल, दे जस्ट पुअर। वी नीड मोर टूरिज्म इन द कंट्री और आजकल टूरिस्ट कम आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों के मसाइल हैं, गुरबत है, क्या किया जाए। अभी सूरज सर पे आ चुका है, आज थोड़े हम लेट हो गए, लेकिन पहले दिन ऐसे ही होता है। बस अभी नाश्ता करते हैं, ये लोग अपना अपना बोझ उठाएंगे, हम अपना अपना बोझ उठाएंगे। और I was eager to finally get to the mountains after all this car driving and organizing and buying. I have to say, the first night, the little shock is well involved, because you forget about the toughness and the hardship of camping in a way. There's sand everywhere, it gets cold in the night, you have to get up early. But then that's a good thing about an expedition like that. It's getting out of your normal comfort zone and see how you react also to tough conditions. I mean, this is nothing for today. It's going to be a very hot day, but it's going to be much more later. So, but I'm good now. I'm happy. आज पहला दिन है मेरा वजाहत के साथ और थॉर्स्टन के साथ ट्रैक पे। अभी तक तो दोनों के साथ बड़ा मज़ा आता रहा है और होपफुली आगे भी बड़ा अच्छा रहेगा। थॉर्स्टन से पहले हम मुलाकात हुई है, बींग ए नॉन पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जॉइंट एक्सपेडिशन का। और आज मेरा ख्याल है कुछ 7-8 घंटे की वॉक है और थोड़ी टफ वॉक है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि सूरज बहुत तेज़ है, गर्मी खासी होगी आज। चले जी, कुछ का टाइम आ गया। नॉर्दर्न एरियाज में बड़े बड़े खौफनाक ब्रिजेस देखे, लेकिन इस जैसा खौफनाक ब्रिज नहीं देखा, क्योंकि एक तो ये बहुत ही पतली तारों से बनाया हुआ है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो नीचे नाला है वो बहुत ही फेरोशियस है, बहुत ही खौफनाक नाला है जो कि आगे बड़े दरिया में जाके मिलता है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई गिर जाए, विद इन 5 मिनट्स यू आर गॉन मैन। Vai, Germain. 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 V
This is the mother of all Indiana Jones bridges. This is a scary... ये बेसिकली अरंदू विलेज है, पीछे कैंपिंग साइट थी, ये छोटा सा अरंदू का गांव, और यहाँ पे बच्चे बहुत क्यूरियस हैं कि ये पागल किस्म के स्ट्रेंजर्स किधर से आ गए हैं. एंड दे आर सेइंग हेलो अंग्लेज मिठाई वन पेन हेलो अंग्लेज. दुनिया के आखिरी कोने पर वाकया अरंदू गांव के लोग बहुत खूबसूरत और बेहद सादा हैं. उनके हालात को देखकर ऐसे लगा जैसे कि ये लोग आज भी किसी पुरानी सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे हमें देखकर खुश भी हुए और काफी डर के भागे भी. We were in high spirits as we crossed Arandu River and ventured into the world of high mountains. Tiring, but it's okay. It's important to start slow and steady, but it's very hot. It's important to drink enough, otherwise we get dehydrated. Then we have headaches in the end of the day. Let's see. But it's still a long way. Garmi bahut zyada hai, aap dekh sakte hain, pani ki bottle main khatam kar chuka hu. Ab main pani dhoond raha hu. Usse is garmi mein mujhe pani nahi mil raha peene ko. Aur main bahut thak chuka hu. Lekin abhi mera khayal hai koi 5-6 घंटे और आगे हैं. Yeah, boys, do you like to climb mountains, eh? You're sporty. Let's go. This is the gateway to the realm of the beautiful mountains. Hello, hello, hello. How are you? Ah, इस वक्त पता नहीं दोपहर के क्या बज रहे हैं, लेकिन चल चल के बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि sun is too intense. और जनाबे मन हमारे साथ इस वक्त नीचे चोगो लंगमा ग्लेशियर चल रहा है. The only difference is चोंगवो लंगमा ग्लेशियर नीचे जा रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं. द ग्लेशियर इज गोइंग डाउन एंड वी आर गोइंग अप. ये बहुत गर्म ट्रैक है यार, पानी भी नहीं मिल रहा अब तो.
I'm done with it. I just hope there's some more green when we're going. दोपहर के खाने के लिए हम लोग एक सायादार जगह पर रुके, जहां पर एक तरफ पोर्टर्स ने चाय और बलती रोटी के साथ अपना लंच किया। और दूसरी तरफ हम लोगों ने ड्राई फ्रूट और बिस्कुटों के साथ अपनी पेट पूजा की। लंच टाइम, तकरीबन 3 घंटे की वॉक के बाद यहाँ पे हम रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे साया भी है और पानी भी। गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। 37 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। एनीवे, और क्लाइंबिंग करें आप। जिसने माँ को सताया उसने ट्रैकिंग को अपनाया। मेरी अम्मी कहती थी वजाहत की दोस्ती अच्छी नहीं है, पर मैंने नहीं मानी। Wow man, look at that. There it is. It's bigger than I thought actually. It doesn't look like a walk. Wow man, it's beautiful. It's really beautiful. Khawateen Hazrat, mulaiza karein. Spantik. 7027 meter puri choti. Jisko humne climb karna hai. This is my first glimpse of the mountain and it's awesome. Dude, it's too big. I'm pretty impressed. By both the mountain and myself, I have to say. That I dare to even think about going up there. But it's beautiful. बहुत ऊंचा पहाड़ है। मैं तो अभी से थक गया हूँ, आज पहला दिन है। अभी हम अपनी कैंप साइट पे पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। Second day of the walk. It's a beautiful day. Cloudy, a little bit sunny. Kal hamari body used to nahi hui thi chalne ke liye. Kal humne koi 7 to 8 hours ki walk ki thi. Aaj bhi lamba din hai, lekin the body is quite tuned now. Sirf ek cheez ye hai ki a bad weather front is here and the Spantik is completely shrouded into clouds, as you can see. वो सामने स्पॉन्टिक है लेकिन कुछ नजर भी नहीं आ रहा। Thank you.
इस मुकाम पर हमारी मुलाकात याक्स के एक बहुत बड़े रेवड़ से हुई जो कि बुलंद चरा गांव में चरने के बाद वापस अरंदू गांव की तरफ जा रहा था। तकरीबन 300 याक्स पर मुश्तमिल ये रेवड़ अरंदू के लोगों की मलकियत है। ये एक इंतहाई दिलचस्प मंजर था जिसे हम सब ने बड़े इनहमाक से देखा। Yaks have priority on the mountains. Finally, हम लोग मेरे ख्याल लंच के लिए यहीं रुकने लगे हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ अभी लंच करेंगे और फिर उसके बाद हम आज अपनी कैंप साइट पर पहुँचेंगे सेकेंड डे बलोचो। यस लंच टाइम। Peace and love, brothers and sisters. Lunch time. These guys are laughing at me. Crazy hippie. ये हमारी फूलो रानी है। But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. So where's our camp tonight? Well, can you see that white area? That white stones? Next to, you mean where the glacier is coming down? Not exactly on that side, just where the greenery finishes up, that part. अभी हम कैंपसाइट पे पहुंचने वाले हैं। आज बहुत लंबा दिन था। तकरीबन हमें कितने 8 घंटे हो चुके हैं चलते हुए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मौसम क्लाउडी था, धूप नहीं थी, इसलिए चलने का भी मज़ा आया और इट वाज गुड। वे आवाज़ सुन रहे? ग्लेशियर में तोड़ फोड़ हो रही है। ग्लेशियर के अंदर कोई हार्ड कोर किस्म के बोल्डर्स मूव कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। जो मोलंगमा ग्लेशियर जो है हमारे साथ साथ चलते चलते मेरे ये गीत मुझे भी नीचे वाला ही सही लगता। What's going on? रास्ता समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से। थॉर्स्टन कहता है कि हमने ऊपर से जाना है और मैं कह रहा हूँ कि नीचे से जाना है। थॉर्स्टन का ख्याल है कि ऊपर क्लिफ से है, मैं कहता हूँ कि नीचे ग्लेशियर के साइड से है। मुझे भी इधर फुटप्रिंट्स नीचे जाते हुए नजर आ रहे, लेकिन है ये बड़ा अजीब वगैरह खौफनाक लग रहा है। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, समझ नहीं आ रही कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। थॉर्स्टन ऊपर खड़ा है। काफ़ी पैसों मुबासे के बाद ऐसन को वाकई रास्ता मिल गया है। उसको नीचे जाना पड़ा था, जगह बहुत ख़तरनाक है। ये आप देखें कि यहाँ से एक स्लिप और नीचे से मट्टी की बहुत ज़्यादा आ रही है।
Okay, my turn. Seriously, this is way dangerous and it's very hard to film in these circumstances, but I've made it down safely. Oh, meri jo is waqt knees ki halat hai aap soch bhi nahi sakte. Abhi Thorsten aur Tariq the cameraman and one porter, kya naam uska, Shakur, they are stuck up there. They're not stuck, they're just waiting for me to come down. Alright, abhi unki descent dikhate hain aapko. Ooh, bit slippery. Yeah, but we made it. There's no other way. There's no way back, certainly. Whoa, 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 whoa! Damn! Whoa! That was close. Oh. Oh. Are you hurt? Oh man. Film banate banate upar se itna bada pathar Tariq ne dislodge kiya hai aur ye seedha mere upar aaya aur aapne dekhoga ki bilkul inches se main bacha hu. Whoa. Oh man. That was close. That was really close. Bas Tariq thoda sa aur reh gaya. बस आ जा, आगे आगे तो पहुंचे. हाँ जी, क्यों? इस डॉक्यूमेंट्री का कैमरामैन तो मैं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मैं यहाँ तक आ गया, मैंने सबमिट कर ली. और ये मूवी मेरे घर वालों ने देख ली, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम मेरा नॉर्दर्न एरिया आना बंद. और फिल्मिंग का एडवेंचर. हाँ, बहुत लंबा सफर था आज का. और ऊपर से बारिश भी हो गई, सब आप देख रहे हैं, सब मैं गीला हो गया, बहुत थक गया आज मैं. कैमरामैन रिपोर्टर. और आखिरकार पहुंच ही गया. Hello. Hi. So you reached finally. Finally. Well, no, I was going straight to my tent. Okay. To put my things into the dry tent. Oh.
ये क्या हुआ स्टोव को क्या हुआ वो गिर गया नहीं उधर अच्छा there was a boat who fell from there yeah yeah the steep place yeah, yeah. That's what broke the tent as well by the way ji Kareem sahab bata rahe hain ki ye sahi kaam nahi kar raha chula kyunki aapne wo dekhi thi wo jo khatarnak kism ki utrai wahan pe porter jisne ye chula uthaya hua tha aur ek tent bhi uthaya hua tha wo upar se gira hai aur uski wajah se chula bhi damage hua aur tent bhi phat gaya aur shukr hai ki niche jo porter se unhone usko pakad liya otherwise he would have gone straight into the glacier bach gaya uske chote aayi hain thodi zyada bhi nahi lekin bach to breaking more and more anyway इस वक्त हम मेस टेंट में मेस टेंट तो नहीं है किचन टेंट है क्योंकि ये जगह गर्म भी है यहाँ पे मैट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे आके अभी हमने कहवा पिया इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग डे जिसने भी ये सफ़र बनाया है ये तीन स्टेजेस वाला वो बड़ा क्या कहूँ आपने एक दिन ज़्यादा लग सकता था आज हम कोई 10 घंटे चले तकरीबन 3708 मीटर्स। इस वक्त यहाँ की जी हाइट है 3708 मीटर्स। उसको अगर तीन में ज़र्ब दें तो फोटो में आपको खुद पता चल जाएगा ये देखें जी सुबह सुबह मुझे इन्होंने अच्छे काम पे लगा दिए इनका पानी मैं साफ कर रहा हूँ पोर्टर्स निकल चुके हैं बेस कैंप की तरफ फिर हम भी अभी निकलेंगे थोड़ी देर में इट्स अ ब्यूटीफुल डे शाम को तो बारिश शुरू हो गई थी मौसम ख़राब हो गया था तारे की तबीयत भी ख़राब हो गई थी लेकिन तारे का टोटली फिट है स्पिरिट्स आर हाई मोरल इज़ हाई बस आज तकरीबन 4-5 घंटे का वॉक है एंड देन वी विल रीच द बेस कैंप ख़वातीनो हज़रात सलाम आज हमारी ट्रैक का तीसरा दिन है जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम सफ़ेद चोमो लंगमा ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हैं फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स वी वॉकड ऑन द डर्टी चोगो लंगमा ग्लेशियर इस वक्त ठंडी हवा चल रही है और इसी ग्लेशियर पे चलते हुए आज हम तकरीबन 3-4 घंटों में बेस कैंप तक पहुँच जाएंगे इट्स रियली ब्यूटिफुल हमारे चारों तरफ 5,000-7,000 मीटर की चोटियाँ हैं बिल्कुल सामने स्पांटिक जो है वो क्लाउड्स के अंदर छुपा हुआ है सूरज निकला हुआ है एंड एवरीबॉडी इज़ इन गुड स्पिरिट्स एंड ऑल इज़ वेल ऑलराइट Thank you.
Hello. इस वक्त हम तकरीबन बेस कैंप पहुंचने वाले हैं. मौसम खराब होता जा रहा है. बादल और सूरज आंख में चोली खेल रहे हैं. It's getting cold. अभी हम थोड़ी देर के लिए लंच करने के लिए रुके थे. वो सामने बेस कैंप नजर आ रहा है. अभी काफ़ी दूर है और जब एंड पे ग्लेशियर पे पहुंचेंगे तो वहां से कोई 20 मिनट के सीधी ऐसे चढ़ाई ऊपर. और बाकी ऑल इज वेल. वंस अगेन चले. नहीं जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया. ये आपका सारा पोर्टर्स के सारे पैसे. अभी हम पोर्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं जो हमें आज सारा सामान बेस कैंप तक छोड़ कर आए हैं. अभी ये पोर्टर्स के सरदार हैं, इनको हमने सारी पेमेंट कर दी है और यही हमें वापसी पे लेने भी आएंगे. अब खुश हैं आप? खुश हैं आप? खुश हो गया ना सर? खुश हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आप लोगों ने हमारे साथ बहुत मदद भी की और तमाम पोर्टरों को जो है 100 रुपए का टिप भी दिया और सब पर जो आरंदों के जितने आवाम है वो आप लोगों का मशहूर है. और हो जाए तो हमारे साथ और भी ताउन करते रहें ताकि यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं तो इनके साथ आप लोगों का ये रवैया हमें बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, हम बेस कैंप के तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं. ये पोर्टर्स जो थे ये हमसे पहले चले गए थे. उन्होंने जाके सामान वहाँ पर डंप करके अभी लोग वापस जा रहे हैं और हम लोगों ने इनको अभी पेमेंट की है. मैं फिल्म बना रहा था, अभी देखोगा एहसन ने सारा पैसे इनको दिए और ये इनके पोर्टर सरदार हैं. ये खुश है यू साहब? हाँ. खुश हैं आप? खुश हो गया. हाँ खुश हो गया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी कभी चक्कर लगा. ठीक है, खुदाफिज. अच्छा मेहरबानी वजाहत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये हम आपका मशकूर हैं. तारुफ करा दूं जी, ये नजफ है. नजफ इज द ओनली एजुकेटेड मैन इन रंदू विलेज. थैंक यू. और ये वहाँ पे रंदू से नीचे एक गांव है, वहाँ पे एक BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट. वहाँ पे ये मेल नर्स है और ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, उर्दू और इज़ अ वेरी नाइस गाय. और जब आप लोग ये टीवी पे देख रहे होंगे और आप चाहते हैं कि एक्सपेडिशन लेके आएँ या ट्रैकिंग के लिए आएँ तो नजब से मेहरबानी. क्या करें, नजब से रबता करें. अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी. शुक्रिया, बहुत फाइनली मैं बेस कैंप पे पहुंच गया हूँ. मैं बहुत थक चुका हूँ सारे दिन की ग्लेशियर की वॉक. और फाइनली ग्लेशियर से जो रास्ता ऊपर आता है एंगल बहुत स्टीप है, शायद 60-65 डिग्रीज तो होगा. कितने मिनट में किए तुमने? मुझे नीचे से ऊपर आने में तकरीबन 35 मिनट्स लग गए. बट बहुत हार्ड था, ये बहुत हार्ड था. वजाहत मलिक को कितने लगे? वजाहत मलिक ने अपना टाइम पता नहीं किया या नहीं किया, बट मैंने अपना टाइम किया था इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मुझे 35 मिनट्स लगे. तेरे ख्याल में कितनी देर में आया? वजाहत भी 30 मिनट्स में आ गया होगा ऊपर. वू
Salam, khawatin hazrat. Hum base camp pe pahunch chuke hain. Sham ke 5 baj rahe hain. Bahut hi mushkil walk thi aaj. Ek to glacier pe hum chalte rahe. Uske baad ganda glacier, uske baad crevasses. Main gir bhi gaya ek crevasse ke andar. Meri ungli bhi kat gayi. Ye dekhen aap. Tariq, the cameraman, is struggling. Poor guy, this is his first time. Aur uske baad, icing on the cake was when we got to the end of the glacier. Phir wahan se kuch 30-35 minute ka literally ye angle hai. Like 85 ke angle pe humne upar chadh ke base camp tak pahunche. I mean, it was just horrendous. But base camp is at a very beautiful place. Pura niche Chomolungma glacier nazar aa raha hai. Peaks camp on his side pe hai. Aur do aur expeditions baithe hue hain. Ek German expedition, ek Austrian expedition hai. Sab tenton ke andar ghuse hue hain. Koi nazar nahi aa raha. Aur Thorsten sahab bhi theek thaak hain. Tariq abhi tak pahuncha nahi hai, lekin ek banda gaya usko lene ke liye. Abhi thodi der mein aa jayega. I guess we are at the base camp, safe and sound. Hero, hero! Soon all the chicks of Pakistan will be like, who is this hero climbing a mountain? Yeah! Hey, cameraman! Kya le tera? अब तो ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा. और ये लास्ट जो चढ़ाई है, इन लोगों के लिए ये 35 मिनट की चढ़ाई थी और मेरे लिए 1.5 घंटे की. बाद में आके क्या हुआ? बाद में आके सर में दर्द और वॉमिटिंग शुरू हो गई थी. हाइट लग गई थी तुझे? हाइट लग गई. अब मच बेटर, अब बहुत बेहतर है. आज बेस कैंप पे हमारा रेस्ट डे है. कल शाम को हम लोग पहुँचे थे थके हुए, खाना खा के सो गए. रात को सख्त किस्म का एक तूफ़ान भी आया. हाई विंड्स एंड रेन वाज लैशिंग एट द टेंट्स लाइक नोबडीज बिजनेस. काफ़ी लोग तो सो नहीं सके. मैं काफ़ी देर तक जागता रहा, फिर मैं भी सो गया था. आज हमारा रेस्ट डे है. आज हम अपना सारा गियर सॉर्ट आउट करेंगे. सारा फूड जो हमने ऊपर कैंप्स पर लेके जाना है उसका सारा सॉर्टिंग आउट करेंगे. Anyway, this is the life at the base camp. एक यहाँ पे German expedition बैठा हुआ है, एक Austrian expedition बैठा हुआ है. वो कुछ German Thorsten को मिल गए. एक बीमार है, उसका पेट ख़राब है काफ़ी दिनों से. वो अभी कैंप वन से नीचे आए, वो गपशप कर रहे हैं. Und war ich hatte Urlaub in Afrika gewesen oder ich hatte einen Job gehabt und kurz Urlaub rangehängt. Über 130, 140 Länder in dieser Erde. Aha. Ich habe es auch knapp 80 geschafft. अभी थोड़ी देर में अपना टेंट ठीक करेंगे, गियर देखेंगे और आज अपनी एनर्जी वापस लेके आएंगे ताकि फिर कल से हम अपनी क्लाइंबिंग शुरू कर सकें. क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आज बस रेस्ट हो रहा है. थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं. कल इंशाल्लाह कैंप वन में जाएंगे, सेटअप करके वापस आएंगे. दैट्स इट. हेलो, आई एम फिलिक्स बर्ग फ्रॉम द जर्मन एक्सपेडिशन टू स्पंटिक दिस ईयर. वी हैव जस्ट कम फ्रॉम कैंप 2 यस्टरडे. कैंप 1 इज अप दैट रॉक रिज एंड ऑन 5000 मीटर्स फ्रॉम देयर यू कंटिन्यू ऑन स्नो रिज टू अबाउट 5-3, 5-4 वेयर यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू पुट कैंप 2. From camp 2 down here, it was a quite fast descent of 4 or 5 hours on deep snow yesterday. But in good snow, you should be down even faster. Okay. Anything else you want to know about camp 1, camp 2? Yeah, the last 2 days was bad weather. Today it's hopefully clearing up. Still a bit cloudy. This morning it was snowing and now it's clearing up, good weather.
मगर मौसम के बारे में फिलिक्स की पेशनगोई दुरुस्त साबित ना हो सकी। थोड़ी ही देर के बाद मौसम खराब हो गया और बारिश होना शुरू हो गई। आज बेस कैंप में हमारा दूसरा दिन है और मौसम बदस्तूर ख़राब है। हमारा कैमरामैन तारिक आज सुबह सुबह उसको निकाला है क्योंकि वो काफ़ी डर गया था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन वो काफ़ी डिप्रेस हो गया था। सो आई एम ग्लैड ही इज़ आउट एक्चुअली, क्योंकि अगर वो और इधर ठहरता तो उसकी और तबीयत ख़राब हो जाती। बाकी हम लोग अभी बेस कैंप में ही बैठे हुए हैं क्योंकि मौसम साफ़ होने का नाम नहीं ले रहा। वह यही होता है सारा दिन, मैस टेंट में, किचन टेंट में बैठे रहते हैं, गप्पे शप्पे लगती हैं। ये साहब कल गए थे ऊपर कैंप वन और आज सुबह वापस आ गए क्योंकि मौसम ख़राब है। तो इससे ऊपर का हाल पूछते हैं थोड़ा सा, बताएं। कैंप वन में हम कल शाम को पहुंचे थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी और साथ साथ बर्फबारी भी हुई है। तकरीबन 2 इंच बर्फ़ पड़ी है तो हमने सोचा कि बेहतर ये है कि बेस कैंप चले जाए और हम बेस कैंप पहुंचे हैं। करीम ऑस्टिन एक्सपेडिशन के साथ क्लाइम कर रहा था और वक्त गुजारने के लिए उसने हमें रस्सी की नॉट्स सिखाना शुरू कर दी। अगर आप दो लाइन को छोड़ दें, फिगर 8 आप इस्तेमाल कर लें, दैट इज द इजीएस्ट, ठीक है? इस वक्त जी हम लोग किचन टेंट में बैठे हुए हैं। आज सारा दिन बारिश होती रही और कल भी मौसम ख़राब है। हमने टेलीफोन पे, सैटेलाइट फ़ोन पे पता किया है। इट्स बीन रेनिंग, इट्स सुपर कोल्ड, देयर इज़ नथिंग टू डू, ऑल यू डू इज़ ईट एंड जस्ट वॉक अराउंड एंड इट इज़ क्वाइट मिजरेबल हियर इन द बेस कैंप बिकॉज ऑफ बैड वेदर। और अब दुआ ये कर रहे हैं कि कल मौसम साफ हो ताकि हम लोग कैंप वन जाके इस्टेब्लिश कर सकें। मौसम साफ़ हुआ तो हम लोग ऊपर जाएंगे, मौसम साफ़ नहीं हुआ तो फिर कल भी हमें बेस कैंप में बैठना पड़ेगा। बाकी एक्लाइमेटाइजेशन अच्छी हो रही है, सब ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पार्टिक बेस कैंप, आई एम वजाहत मलिक। बेस कैंप पे बैठे हुए हैं, रात का कि तकरीबन 9:15 बज रहे हैं। खाना वाना हमने खा लिया है, बहुत ठंड है यहाँ पर। यही सोच रहे हैं कि सुबह मौसम अच्छा हो तो कैंप वन इस्टेब्लिश करें, वरना कल भी हम यहीं ऐसे ही बैठे होंगे और खाना खा रहे होंगे। सो वी आर गोइंग टू कैंप वन टुडे, राइट? होप द वेदर होल्ड्स। या आई थिंक द वेदर इज क्लियरिंग अप। आज काफ़ी दिनों के बाद सूरज निकला है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कैंप वन पे जाने का। तो बस थोड़ी देर तक हम तैयारी करेंगे और मेरे ख्याल घंटे डेढ़ तक हम कैंप वन पर रवाना हो जाएंगे। 3 days in base camp now, so it's really time to go up. I feel like let's go up and at least to 5,000 meters to camp one, to establish the camp, to acclimatize and just get moving. Good morning from base camp. आज हमारा तीसरा दिन है और आज पहली दफा मौसम क्लियर हुआ है। The spirits are high. कल मैं और Thorsten camp one गए थे acclimatization के लिए और कोई नहीं गया। So we went up, climbed up in 2 hours and 40 minutes because we were not carrying anything. उसके बाद हम नीचे आए, सोए यहाँ पे और आज हम अपना सामान लेके जा रहे हैं जो कि आगे के कैंप्स में हम यूज़ करेंगे। It's about 11:30 in the morning. मैं अपना बैकपैक चेक करता हूँ कितना है। सुगंधु साहब किधर की तैयारी है? बस सर आगे कैंप 2 की तैयारी में है सर। अच्छा जी सर। अच्छा सर, कितना टाइम लगेगा आपको? इधर से कैंप 2 6:30-6 घंटे लगेगा सर। चलो ठीक है, ओके, गुड लक। थैंक यू सर। वी आर स्लोली क्लाइंबिंग अप। Thorsten and Ahsan are down there.
बड़ी गंदी चढ़ाई और बहुत ही गंदा रास्ता है ऊपर तक कैंपन तक. इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टीप वॉक. On our way up to camp one, अभी तकरीबन हमने आधा रास्ता किया है. ओह, नीचे चोगो लंगमा ग्लेशियर नजर आ रहा है और एल्टीट्यूड इस वक्त है तकरीबन 4,700 मीटर्स. वो ऐसन खड़ा है, थॉर्सन फिल्म बना रहा है. बाय द वे, क्योंकि हमारा कैमरामैन जो था वो बेस कैंप तक आया था और उसके बाद वो तबीयत ख़राब होने के बाद वापस चला गया. वैसे भी उसने ऊपर नहीं आना था. कैमरा भी नहीं मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिल्म बना रहा हूँ और आपके प्रेजेंटर्स होंगे थॉर्स्टन और एहसन. वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि कैमरे के पीछे मैं हूँ. इसलिए आप ज़्यादातर 4,700 मीटर पे जब आप 14 किलो का वज़न उठा के ऊपर चढ़ रहे हो तो सांस कम ही आती है आपको. बहरहाल मैं ये कह रहा था कि थॉर्स्टन और एहसन कैमरे के आगे होंगे और मैं कैमरे के पीछे फिल्म बना रहा हूँगा. बिकॉज वी डोंट हैव अ कैमरा मैन, आई एम डूइंग द कैमरा वर्क एज वेल. ओके, oh, the weather's clearing up. We should be halfway now. Yep. And we have to go all the way up there. Wow. Blue sky, finally. Yeah. Look at that. Yeah. Hello. Hi. मेरे ख्याल हम आधे रास्ते में आ गए. मैं मेरे पीछे आप शायद स्नो लाइन देख सकते हो, वहाँ तक हमें जाना है. वो आज कैंप आने हमारा.
Well, we are on our way to Camp 1, as you can see. And the view is just simply fantastic. But anyway, kuch hi der mein hum Camp 1 pahunchne wale hain. Baki baatein udhar hi karenge. Khuda hafiz. Very big to me. Wow, Thorsten, that's the summit. Finally, Camp 1. Oh my god. Spantik, 7,027 meters high, in all its glory, right in front of us, man. Wow, this is beautiful. Our Camp 1 ye laga hua hai, two tents. Baki jo expeditions hai, unke tents wo aage lage hue hain. It was a very long walk up. Lekin sari thakan dur ho gayi hai Spantik ko dekh ke. Hello. इस टेंट में दीदार और करीम और ये हम तीनों का टेंट है जिसमें के मैं थॉर्स्टन और एहसन होंगे. दिस इज होम. इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आओ. मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है. यह है जी स्पांटिक का पैगाम. पत्थरों के अलावा चढ़ाई भी बहुत है और अक्लामेटाइज भी होना पड़ता है, वरना ये स्पांटिक पे क्लाइंबिंग थोड़ा मुश्किल काम है. लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिज़िकल फिटनेस हो तो क्यों नहीं. This is high altitude food and it's actually quite tasty. Say what, mister? It's a chicken risotto with vegetables. And we are delighted. Under the circumstances, of course. But we have some spices and Tabasco with it as well. Spices and Tabasco. The high altitude food, eh? Supposedly it's not tasty, but it is somehow. Because me and Thorsten are like gorging on it right now. We are inside our tent. There's three of us, the main members, in one big tent on Camp 1. The altitude here is 5,100 meters above sea level. Urdu mein bata deta hun, 5,100 meter hum upar hain pahad pe Camp 1 mein. ये खाना खा के अभी हम सो जाएंगे और
इस वक्त हम काफी कोजी हैं कल सुबह उठ के हम लोग कैंप 2 जाएंगे ऑल इज वेल और एहसन जो है जो कि इस वक्त कैमरे के पीछे है वो कुछ खा भी नहीं रहा और उसके सर में हल्का हल्का सा दर्द है हम इसको कह रहे हैं कि कुछ खा लो मियां लेकिन मियां साहब जो हैं वो कहते हैं मैं फिल्म बनाता हूँ आप खाएं बात भी नहीं हो रही ठंड का ये आलम है कि इस वक्त तकरीबन 2 degrees centigrade या 2 degrees Celsius टेंट में तो नहीं होगा लेकिन बाहर 2 degrees Celsius इट्स वेरी वेरी कोल्ड क्यों मियां क्या हाल है मैं इस वक्त अपने स्लीपिंग बैग में गरम गरम होकर बैठा हूँ ये देख सकते हैं आप ओए तेरे सर का दर्द का क्या हाल है सर का दर्द काफी बेहतर है अब बल्कि तकरीबन खत्म हो गया खाना वाना मैंने खा लिया खाना पूरा तो नहीं खाया लेकिन सूप वूप और कुछ लिक्विड्स लिए थे कुछ चॉकलेट्स लेकिन अब काफी बेहतर फील कर रहा हूँ हमारे कैंप में एक ये बड़ी मजेदार चीज है We got light in our tent. Yes, we got light. Dude, what are you doing? You're just like eating away this stuff. We have to refill our carbohydrate depots. I need some more. Chicken vegetable risotto. हाँ जी, खाने तूने? आप लोग खा लो, फिर मैं देखता हूँ थोड़ा सा शायद खा लूँ. चल ठीक है. Okay. सुबह के कुछ 7 बजे हुए और मौसम साफ होने के बजाय इट हैज़ टर्न्ड बैड काफ़ी ज़ोर की एक स्टॉर्म बाहर चल रही है और ये बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द है जो कि अब ठीक हो रहा है स्टॉर्म आई गेस और एट लीस्ट सम बैड वेदर सो लेट्स सी लेट्स स्टिक इट आउट एंड सी हाउ इट गोस ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स Tent is shaking. सुना है कि बाहर मौसम साफ हो रहा है हो गया तो फिर हम डेफिनेटली कैंप 2 जाएंगे Okay, getting ready to go up to camp 2. सांस चढ़ रहा है काफी थोड़ी गर्मी भी लग रही है आपका तो सबसे मुश्किल काम है आपको तो हमारी स्पीड पे चलना पड़ेगा आप सबसे पीछे हैं रस्सी पे व्हाट टू डू व्हाट टू डू काठमांडू कुछ भूल गया हम लोग उसके लिए आए हां नसीर क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम क्या हो रहा है वजन क्या हाल है ठीक है बस ये कि वन तक कुछ काम है इसलिए कुछ चीजें भूल गए थे हम लोग कल स्नो कंडीशंस कैसे आगे आगे स्नो ज्यादा है कहाँ पे ये 2 से आगे नहीं ये 1 से थोड़ा आगे जाके ना 1 से जो ना काफी स्नो है आज तो सही है अभी आज तो सुबह सुबह सख्त था कल हम लोग जब गए तो काफी स्नो निकाला हम लोगों ने आप लोगों के लिए कराकोरम हाईवे अच्छा की रोड पिक करना कोई नहीं है मसला प्रवेश है लेकिन वो एहतियात से जाना वो रोड है ना हां रोड वो जहां पे वो लाल जर्जी लगे हुए ना वहां पे एहतियात के साथ अच्छा बाकी तो सही है बाकी जिधर लाल है वहां पे करवा हां वहां पे करवा ठीक है और के मन से आए आप लोग हां अभी क्या बात है अच्छा चलो ठीक है क्या खिदमत करें शुक्रिया बस चलो कोई चाय चाय माय पिंग वापस होना थोड़ा नहीं 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 इधर चलो कैंप 2 में चाय माय पिलाएंगे वजन ज्यादा है तो छोड़ देना नहीं नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है थैंक यू वेलकम
are halfway to camp 2. Mausam theek hai aur theek nahi bhi hai. Lekin camp 2 jaane ke liye halaat bilkul theek hain. It's quite tiring coming up the ridge. Snow conditions are just right. Yahan tak to ridge follow kar rahe the, aage ek plateau follow karenge jahan pe thodi crevasses bhi hain, thoda ehtiyat se chalna padega. Wo niche shayad aapko dots camp 1 nazar aa raha hoga. Bas aise aise ja rahe hain. Zyada idhar speed nahi lagani. Tire the mountain, don't tire yourself. That's the maxim. Mountaineering ki zuban mein kehte hain ke pahad ko thakao khud mat thako. Aur hamare sath jo hamare do high altitude helper bhai hain wo zara pareshan ho jate hain kyunki unko tez chalne ki aadat hai. Lekin unhe bardasht karna padega thoda hamare sath. बर्फ पे चलना काफी मुश्किल काम है. See, clouds are coming, weather's going bad. Let's see. I mean, we might be caught in some kind of rain or snow shower. पहले दिन कैंप वन से रवाना हुए तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. इतना ज़्यादा कि एक ब्लिज़र्ड चलना शुरू हो गया और आगे कुछ नज़र नहीं आता था. तो आधे रास्ते में पहुंच के फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे ख़्याल में आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि कंडीशंस बहुत खौफनाक थी, ख़तरनाक थी. तो मैंने कहा कि वापस कैंप वन चलते हैं. The weather has turned bad. Whiteout conditions. मौसम बहुत ख़राब हो गया है. कम्प्लीट वाइट आउट, बर्फबारी शुरू हो चुकी है. So we have decided not to press forward. We have decided not to go further because it's very dangerous and risky. So what we'll do is hum sara apna jo saman camp 2 pe dump karna tha yahan pe hum idhar store kar denge patthron ke niche aur we'll turn back. We move back and try to come back tomorrow if everything is right. Avalanches girne ki awazein aa rahi hain. Mausam bahut kharab ho chuka hai. खैर हम लोग वापस कैंप वन आ गए. वहाँ पे पहुँचे तो हालांकि थॉर्स्टन थोड़ा खफा भी हुआ कि क्योंकि जैसे ही हम वापस कैंप वन आए मौसम ऐसा ऐसा साफ हो गया और बिल्कुल सूरज निकल आया. तो थॉर्स्टन खफा हो गया कि यार ये गलत डिसीजन था, हमें आगे जाना चाहिए था, कैंप 2 लगाना चाहिए था. हम लोग वापस कैंप वन आ गए. इस वक्त शाम के दोपहर के तकरीबन 4 बजे हुए और बहुत सख्त गर्मी है. सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है और मौसम बिल्कुल साफ हो गया है. आज सुबह जब हम लोग 2 की तरफ जा रहे थे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टॉमी था और उस वक्त हमने डिसीजन लिया कि वापस चलते हैं. एक्चुअली मेरा डिसीजन था एंड आई रिग्रेट इट. थॉर्स्टन थोड़ा खफा भी हो रहा था कि ये क्या बकवास है, हम आगे चले जाते, 2 कैंप इस्टेब्लिश कर लेते. लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा वाइट आउट कंडीशन के अंदर आपको क्रेवासेस नज़र नहीं आती और आपको अगर कुछ नज़र ना आ रहा हो और आप क्रवास के अंदर चले गए तो फिर सो रिस्क लेने के बजाय हम लोग वापस कैंप वन आ गए हैं. लेकिन ठीक है, पहाड़ों में बड़े एक्सपीडिशंस पे इस तरह भी हो जाता है कभी कभी. इसमें कोई खफ होने वाली बात नहीं है. या गुड टू हैव अ रेस्ट डे टू. या आई गेस सो. वेल, मुझे वजाहत ने काफ़ी गर्म पानी दे दिया था, अब मैं उसको ठंडा कर रहा हूँ. वो देखें.
अगले दिन हम लोग दोबारा निकले कैंप टू के लिए, और जब हम कैंप टू के करीब पहुंचे तो मौसम फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। Place as you can see, drops on both sides. Yeah, toh to crevasses hain aur mausam thoda sa kharab ho raha hai. Aage thoda sa steep dekh sakte hain aap piche mere. Let's go. Bajat, tu unrope karke hame kal fir mat de rope wapas peak pe. Theek hai. फाइनली हम कैंप टू पे पहुंच गए। फाइनली हम कैंप टू पे पहुंच गए। मौसम अभी भी ख़राब है, लेकिन पीछे थोड़ा बहुत सूरज नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है थोड़ी देर में बर्फ पड़नी ख़त्म हो जाएगी और मौसम साफ हो जाएगा। प्लान क्या है आज का? प्लान ये है कि मैं और थॉर्सन यहीं रुक रहे हैं और वजाहत वापस जा रहा है कैंप वन। वजाहत कल वापस आएगा कैंप टू पे और हम कल भी यहीं कैंप टू में रुकेंगे और वो पूरी पर्सनल कैंप थ्री स्टैब्लिश करेंगे। It's all about the weather. As much you can't plan everything. So we have to hope it clears up again. That's how it is. You can't predict it all. Well, we are at camp 2. Mausam kharab hai. Lekin thodi der mein saaf ho jayega. Ye kal wala pattern hai. Yahan pe humne abhi ek camp ek tent lagaya hai, जिसमें अहसन और थॉर्सन आज यहाँ पे रुकेंगे। मेरा कुछ सामान नीचे पड़ा है, मैं दीदार और करीम साहब के साथ नीचे जाऊँगा कैंप वन में और कल हम वो सामान लेके दोबारा कैंप टू में आएंगे। ये हमारा टेम्पररी कैंप टू है, इसको हम कल मूव करेंगे उस रिज से आगे, लेकिन इस वक्त हम आगे जा नहीं सकते मौसम की वजह से। इसलिए ये बाकी का जो कैंप टू इस्टेब्लिश होगा प्रॉपरली वो कल करेंगे हम इधर पहुँच के। एज यू कैन सी द वेदर इज़ लाइक रियली बैड, काफ़ी ख़राब है मौसम। अभी हमने वापस कैंप वन भी जाना है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर हम लोग वापस कैंप वन पहुंच के, जब हम कैंप वन में पहुंचे तो थोड़ी देर बाद एक हाई पोर्टर था जो कि जर्मन एक्सपीडिशन के साथ था, सिकंदर, उसने आके हमें इतला दी कि जी ऊपर कैंप थ्री से नीचे एक एवलांच आ गया और कुछ लोग उसके अंदर आ गए हैं। लेकिन क्योंकि ये दूर था इसलिए इसे नहीं पता चल रहा था कि कौन से एक्सपीडिशन के मेंबर्स हैं और क्या हो रहा है। खैर हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। हमने वहाँ से, हमारे पास दूरबीन भी नहीं थी क्योंकि दूरबीन थॉर्सन के पास थी, कैमरा भी मैं उधर कैंप टू में छोड़ आया था, और कोई ज़रिया नहीं था कि हम कैंप टू या थ्री के साथ कम्यूनिकेट कर सकें। खैर हम बैठ के टेंट में से, मैं और हाई पोर्टर जो थे हमारे साथ, हम कैंप थ्री बहुत दूर था वहाँ देख रहे थे कि कुछ डॉट्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और कुछ एक्टिविटी है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। हम लोग इस वक्त कैंप टू में बैठे हुए हैं और कैंप थ्री के रास्ते में ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। तीन उनके मेंबर्स जो हैं वो इस क्रेवास में गिर गए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं, खैर
दो लोग वहाँ क्रेवास के बाहर खड़े हुए हैं और उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक मिल नहीं रहे हैं. Me and Hassan, we are both in the camp too. We're both under shock a bit, and as it seems, a disaster happened with the Austrian expedition, with at least one badly injured. We heard over satellite phone, and two are still missing. What happened, we could see from here. If you look at the mountain, it's not easy to see now. At the higher flank, between camp 2 and 3, a snow slide happened. That means a huge piece of snow, 50 by 50 meters maybe, went down and took at least 3 Austrian climbers with them. You might be able to see that probably 1 or 2, I fear, landed in a 20 meter deep crevasse, and people are still searching right now. We heard from other expeditions that the Austrians tried to arrange a helicopter rescue, which is extremely difficult in these kind of heights. So as we speak, I fear people are dying here, and it's nothing we can do, which is very frustrating. Hallo Armin, kannst du mich hören? कैंप 2 पर ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन का एक मेंबर भी परेशान हाल था और अपने एक्सपीडिशन मेंबर्स के साथ रابطे की कोशिश कर रहा था. हेलो आमीन, बिटे मेल्डन. और फिर बिलाखर उसका राबता हो गया और उसे हादसे के बारे में कुछ इत्तलात मिली. हेलो मैथियस, बिटे कॉमन. मैथियस इस तरह एंड गिब्स शन वस नॉइस. वी हैव अ टेल्ट आउटगेबाउट एंड दिस इज मिटलवाइले शो फास्ट गेमेटलिच. ओके, दिस हैज़ वी वेन वाशेंडिक डेन हुब्शाउबर ब्राउचेन. गैंस सिचर. या इच नेम एन एप्स टेलीफोन मिट ओबन. या अगले दिन हमने सोचा कि हम सुबह कैंप 2 मूव करेंगे और वहाँ से जाके पता करने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है. फिर सुबह जब हम उठे तो आप सोच नहीं सकते कि इतनी बर्फबारी थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था. कैंप 1 जो कि सूखी जगह पे, वो बिल्कुल बर्फ़ से भरा हुआ था. तकरीबन 7-8 इंच बर्फ़ पड़ चुकी थी और मौसम इंतहाई ख़राब था. हम लोग और परेशान हुए कि हम अब ख़ुद भी मूव नहीं कर सकते. खैर, हमने नाश्ता किया और अभी हम मौसम के ठीक होने के इंतज़ार कर रहे थे कि ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन का एक मेंबर जो कि कैंप 2 में ही रहा, जो आगे नहीं गया, वो नीचे आया और उसने हमें आके बताया कि जी एवलॉन्च के अंदर ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन के मेंबर्स आए हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कुछ का पता नहीं चल रहा. इसको भी कुछ ज़्यादा खबर नहीं थी, लेकिन इसने रेडियो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लिया था अपने एक्सपीडिशन के साथ. 24 hours now that we in camp 2, over. We still don't have any news of Wajahat or the others, and the reason they didn't come as foreseen is basically this. This is a complete whiteout. You can hardly see anything. We're in the middle of the clouds, there's constant snow, yet strangely it's warm. You can feel the sun. So it's a very odd weather. We decide to rather stay safe here. We have enough food and gas for at least another day or two. Hopefully it will get more sunny this afternoon or tomorrow. We have to stay as long as we can. The only thing that happened during the whole day of complete whiteness around us was one climber from the Austrian expedition on his way back to base camp who said the expedition leader has a broken ankle. But I had to inform him because he was further down that we saw at least 2 climbers probably fell into crevasse, so it's still not very unclear what happened to them. They're still between camp 2 and 3, and with this weather they will not be able to move either. But for us at least we know there's nothing we could do by moving either that side or that side, so we just wait here for the moment. There's still 4 people up at about 5,300 meters. We brought some tent down last night, so they're camping there, they have stoves, food.
And we're hoping that the weather will clear so we can fly in with a helicopter to get them out. Because the whole upper part of the mountain is full of avalanche danger, so... So how many people are injured? In total, 3 people injured. 2 we brought up to Camp 3 and then from Camp 3 down to Camp 2. Together with the rest of the group, all the Austrian members and the high altitude porters. So, but nobody got killed actually. Nobody got killed. This is almost like a wonder. That looked like a miracle from here. When you saw it, 300 meters down, big 20 meters fall at least. Especially the one guy who is still down, you know, who went really, Jesus. And we had a real, we were really lucky because the avalanche just stopped in front of our tent. Part of it. And just half a meter next to our tent, the real hard part of the avalanche went down with the people. And one guy was, well, actually rescued by our tent because he fell against our tent. And so not down, and so we were really lucky that we didn't went down with the whole tent. Well, but we shouldn't be too happy now because we still have 4 people up there. That's at a place where it's not very easy to reach, so it's going to be a complicated situation to rescue those 4 people out of the mountain. तकरीबन 12 बजे मैंने अपने हाई पोर्टर्स को कहा कि हमें भी कैंप 2 चलना चाहिए क्योंकि एहसन और थॉर्स्टन उधर ही थे और हमें उनकी फिक्र भी थी. खैर, हमने अपना सामान शामान उठाया और हम कैंप 2 की तरफ रवाना हुए. आधे रास्ते में पहुंच के मौसम इतना ख़राब हो गया था कि बिल्कुल आगे तक अपने हाथ तक नज़र नहीं आता था और बहुत ज़्यादा रिस्की था आगे जाना. फिर हमने रियलाइज़ किया कि थॉर्स्टन और एहसन, उनके पास खाना भी है, गैस भी है, वो अपना टेंट लगा के 2 में आराम से बैठे हैं, उनको इतना कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए हमें आगे जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं. तो ये सोच के कि हमें अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, हम लोग वापस कैंप 1 आ गए. कैंप 1 हम पहुँचे. खैर, वहाँ पे पहुँचे तो हमारे हाईपोर्टर को काफ़ी ब्लडी डायरिया हो गया और हमारे पास एक गैस कार्ट्रिज था, तो वी डिसाइडेड टू डिसेंड बैक टू द बेस कैंप. वो डिसेंट भी बड़ी हॉरेंडस थी क्योंकि बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था और 1 और बेस कैंप के दरमियान का जो रास्ता है वो आपने देखा ही होगा कि वो इतना ख़तरनाक है और बहुत रॉकी और स्लिपरी था उस वक्त. यार, बड़ी मुश्किलों से हम नीचे बेस कैंप में पहुंच गए. बेस कैंप में पहुंचे तो वो जो विली, जो कि ऑस्ट्रियन एक्सपेडिशन का मेंबर था, वो नीचे था, उसके पास रेडियो था. फिर रेडियो पर हमने जूलियन मिखी और आर्मिन के साथ रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमें यहाँ पर एक हेलीपैड प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि चॉपर्स अगले दिन आएंगे, तो उन्होंने यहाँ पर लैंड करना है. फिर हम सब लोगों ने यहाँ पे, जो लोग बेस कैंप में मौजूद थे, हम सब ने मिलके तकरीबन 2 घंटे के अंदर हमने पूरा हेलीपैड तैयार कर लिया. हेलीपैड तैयार करने के दौरान हमारा जूलियन मिखी और आर्मिन से कॉन्स्टेंटली रब्ता था, उनसे बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि जी हम सुबह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड होपफुली द वेदर इज़ गुड. Hello, this is Wajahat from base camp. Come in please, over. Take 2 up here and we are ready in 20 minutes for the rescue, over. Matthias, the choppers are gonna come soon for the rescue, so please prepare yourself, over. Okay, we can also hear the chopper now.
Thank you. Did you give the coordinates to the chopper pilot? Over. Yes, we gave him the coordinates and our altitude. Over. Great, we will be in touch. I can actually hear the choppers coming now, so please prepare yourself. Over and out. Thank you, we will prepare. Over and out. इन क्लाइंबर्स को तकरीबन 5,700 मीटर की बुलंदी से रेस्क्यू किया गया। इतनी बुलंदी पर ये हेलीकॉप्टर्स मामूल के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, इसलिए ये चॉपर सिर्फ 3 क्लाइंबर्स को लेकर उड़ सकता था, लिहाजा जर्मन क्लाइंबर मिकी को पीछे छोड़ा गया। Now we are on the ground. Thank you very much. Safely back. Your leg is broken? My leg is broken, I guess, 2 times. Okay, thank you very much. Maybe I can sit there over there. Yes.
زخمی آسٹرین کلائمبر آرمن اور جرمن کلائمبر جولین کو ریسکیو کرنے کے بعد دونوں ہیلی کاپٹرز پہاڑ پر پھنسے ہوئے جرمن کلائمبر مکی کو ریسکیو کرنے کے لیے دوبارہ روانہ ہوئے. ہم لوگ جب کیمپ ون کی طرف روانہ ہوئے تو پھر میں نے دیکھا کہ دو چاپرز آئے ہیں. میں نے آگے ان کو اطلاع دی جولین مکی کو کہ چاپرز آ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. پھر چاپرز گئے, انہوں نے ریسکیو کیا. مین وائل ہم بیس کیمپ سے کیمپ ون کی طرف روانہ ہو چکے تھے. پھر چاپرز بیس کیمپ میں آ کے انہوں نے جولین مکی وغیرہ کو اتارا, اپنے راؤنڈس کیے, ریسکیو سارا آپریشن کیا. خیر اس کے بعد ہم کیمپ ون گئے. کیمپ ون سے ہم ٹو کی طرف جا رہے تھے تو باقی جو کلائمبرس تھے وہ بھی نیچے آنا شروع ہو گئے تھے, اور تھورسٹن اور احسن بھی انہیں کلائمبرز کے ساتھ شکر ہے نیچے آ گئے. ہمیں پورا ٹوت کی طرف جانا نہیں پڑا, راستے میں ہماری ملاقات ہوئی. تھورسٹن مائی مین, let's go down. That was a hell of a expedition is arriving tomorrow. The hell of a 48 hours. Yeah, I'm sure. Everybody's coming down the mountain. Ye kuch German log hain hamare sath. Thorsten se bhi mulaqat hui hai, Ahsan film bana raha hai. Main, Karim aur Didar camp 2 ja rahe the. تھورسٹن اور احسن سے رابطہ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ لوگ دو دنوں سے اوپر ہی ہیں. ابھی راستے میں ہم مل گئے, سب شکر ہے ایوری تھنگ از فائن. جو لوگ زخمی ہیں اوالانچ میں اور جو کافی سیریس زخمی, سب کو چاپر نے ایویکویٹ کر لیا ہے اسکردو کی طرف. اب موسم ابھی بھی خراب ہے, ہر کوئی پہاڑ سے نیچے آ گیا ہے. ابھی کافی ساری چیز باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ بہت کنفیوژن ہے. پچھلے تین دنوں میں a lot of events have taken place. There's been a lot of drama that unfolded on this mountain in the past 3 days, so I'm sure it's all confusing for you. No, I think we did the right thing. Yeah. If we had tried to come back to Cambodia yesterday, we would have put ourselves in danger. That's why I and messed everything up. And it was good we were there, because when Felix and the others came at 7 in the evening, we were there with some tea. They could use our satellite phone to get in touch with the guys in the crevice. Uh-huh. So it was good that we were there. But all the porters told me it's very unusual. Yeah, because other expeditions come and he says that like sometimes it's 8 days of clear weather and a stretch. Yeah. And there's no nothing. Yeah. I mean bad weather, stretch of good weather. Yeah. This is like yeah. I mean when we were hiking in we had 4 or 5 days of really good weather. That would have been beautiful time to climb. Yeah. Wo dekho. Oh, ek line hai ye climbers ki. Oh, they're coming. Oh, look. Yeah.
किसी ने एक मशहूर माउंटेनियर है जॉर्ज मैलरी उससे पूछा व्हाई डू यू क्लाइंब माउंटेंस तो उसने ये जवाब दिया कि आई क्लाइंब माउंटेंस जस्ट बिकॉज दे आर देयर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कोट आपको बताता हूँ क्लाइंबर्स मेक गुड हस्बैंड्स क्लाइंबर्स मेक ग्रेट हस्बैंड्स बिकॉज दे टाई द परफेक्ट नॉट बड़ी बातें हुई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बाद हम सब कैंप वन में आए बाकी जो ज़ख्मी क्लाइंबर था हाई पोर्टर फिदा वो भी आया उसका मुंह सारा ज़ख्मी था जो लोग बाकी टू में थे या कैंप थ्री में थे वो लोग भी सारे नीचे आ गए बच गया तू खैरियत से हाँ ये नसीर ठीक है गुड मैं बड़ी फिक्र थी तेरी बस बच गया ये है जी फिदा अली अरंदू के रहने वाले ये हाई पोर्टर हैं और जख्मी हुए हैं इसके अंदर एवलॉन्च के अंदर जैसे उनका आप देख रहे हैं मुँह पे लगी है काफ़ी सारी और सारी रात ये फिर स्नो केव में बैठे रहे करीम के साथ और इसलिए मुंह सूजा हुआ है मेरे ख्याल में ही इज़ ब्रोकन इज इज आल्सो ब्रोकन इज रिब आई जस्ट सॉ द रिब और दिखाएं ज़रा किधर ये जगह जी जैसे ये एरिया में इधर से अभी ये जो हमें ना अभी इधर दर्द है इस जिम में नहीं नहीं जगह में थोड़ा सा अंदर थोड़ा अंदर दब गया है सांस लेने में फर्क सांस लेने में बहुत हाँ सांस लेते वक्त जब खांसी आता ना उस वक्त दर्द से बाकी सब पहले निकल गए थे तो अचानक आवाज़ आ गया तो देखा उड़ना चाह रहे हैं मैंने वो दार की तरफ अपने आप को बचाने की कोशिश किया मगर उधर से एवलांश ने उठाया वो दार के साथ जो पत्थर होता है किसी लगने की वजह से ये थोड़ा सा जख्म वख्म है बाकी ठीक है अल्लाह के फल से ठीक ठीक ठाक है जी अभी ये इधर थोड़ा सा एक पता नहीं ये पसली का थोड़ा सा चोट आ गया है बाकी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ और रात को फिर ऊपर से करीम भाई वगैरह आ गया फिर बहुत कोशिश करके हमारे जान बच गया अल्लाह के शुक्र है आप लोगों से मिलना था बाल बच्चों से मिलना था इसलिए बस बच गया जी तो ये अभी मुंह पे वो सोजन ऊपर से एवलांश लाया नीचे फिर रात को बगैर टेंट हम बर्फ में ही बैठे रहे और मेरा शूज़ जो था वो भी इतना कमज़ोर सा था ही इज़ अ ब्रेव मैन खुद चल के कैंप टू से अभी इधर कैंप वन आया और अभी इधर नीचे से बेस कैंप तक जाएगा लेकिन शुक्र है खुदा का कि सारे लोग बच गए शुक्र है अल्लाह का बहुत बच गया कोई मुश्किल से बच गया डेथ नहीं हुई लेकिन यह है कि आइंदा के लिए एक सबक है कि अगर नीचे आइस हो ऊपर बहुत ज्यादा स्नो पड़े तो प्लीज टू और थ्री के दरमियान क्लाइंबिंग मत करें वो भी बगैर फिक्स रोप के बिल्कुल बात आपके दुरुस्त सर अगर जब एवला ऊपर से अगर स्नो या अगर हो रहा हो तो उस वक्त टू में ही बैठना चाहिए बिल्कुल फिदा के साथ बात हुई और बाकी जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपीडिशन के पाकिस्तानी मेंबर्स हाई पोर्टर्स वगैरह थे उन्होंने आपस में काफ़ी बात की कंट्रोवर्सी कुछ उभरी कि जी ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था बहरहाल मुझे जो सबसे जो गुस्सा इस बात पे आया कि ये सारी बातें बाद में होनी चाहिए वो फिदा ज़ख्मी है उसका मुंह ख़राब है उसकी हड्डी पसली टूटी हुई है और बाकी मेंबर्स उसको ब्लेम कर रहे थे खैर वो भी आगे से अपने आप को डिफेंड कर रहा था उसको एक्सपीरियंस था फिदा को फिदा को कहा लीडर ने यहाँ से रस्सी फिक्स करे मैं फिदा से पीछे में था पहले लीडर के पीछे में था फर्स्ट वो लीडर था तो उसके बाद मेरा रस्सी था रस्सी मेरे ख्याल में 50 मीटर रस्सी था 50 तो लीडर ने वो फोल्ड किया उसके बाद पैकिंग किया फिदा से पूछा भाई यहाँ से रस्सी फिक्स करे इसने बोला आज तक किसी ने फिक्स नहीं किया उसी यरीज के हाथ में ठीक है एक मिनट सब करो फिदा ये झूठ नहीं बोलो मैं भी था तो उसके बाद यूं ही ये लोग इस तरफ गया मैं इस तरफ गया ये लोग एवलांच को नीचे ले गया मेरे को इस तरफ फेंका ठीक है ना रस्सी जिग-जैग किया पहले पहले इससे पूछा इसको पता था एक्सपीरियंस था ये हाई पोटर था यहाँ का मेरे तरफ से कोई बात नहीं है नहीं लेकिन बात ये ना कि लीडर जो है वो एक क्लाइंबिंग लीडर है उसको खुद नहीं पता मतलब उसको खुद क्लाइंबिंग नहीं आती है कि वो देख रहा है एक स्लोप जिसकी ये हालात है रस्सी भी खत्म हुआ है कैंप टू से मेरे साथ निकला था फिदा मैं और नसीर और फिदा थे जब 200 मीटर हमने क्लाइंब किया तो मैंने फिदा से पूछा कि आपने आगे जाना है फिदा ने जल्दी से कहा हाँ हाँ मैं आगे जाना चाहता हूँ
वहां से भागते हुए वो कैंप 3 पहुंच गया और हम तकरीबन कोई 200 मीटर पीछे थे मुझे लगता है को वो कैंप 3 में कैंप 3 में एक टेंट था उसको संभालना चाहता था इसलिए वो जल्दी आगे गया वो बात नहीं है पता है क्या ये अब वो बात नहीं है अब वो बेचारा जख्मी भी है मतलब ये एडवेंचर है इसमें ये एडवेंचर है यहां ठीक है मैं मजाक कर रहा हूं नहीं 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 मजाक नहीं करो उस बेचारे को लाइक नहीं नहीं एज यू कैन सी this whole event this whole accident has sparked a controversy kafi controversial ho gaya hai ki jana chahiye tha nahi jana chahiye tha rassi fix karni chahiye thi nahi karni chahiye thi ye hota wo hota chalo jo bhi hua wo bechara zakhmi hai usko please usko abhi na ha abhi niche pe nahi 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 galat treatment de dete hain usko na nahi sahi hai mere khayal mein jo austrian wo jo leader tha na wo climber hai वो इतनी बड़ी पीक के ऊपर क्लाइंबिंग करने आया है तो मेरे ख्याल में उसको खुद सोचना चाहिए था मतलब हम लोग इधर से बैठ के ये कमेंट कर रहे थे कि इतनी स्नो है फ्रेश स्नो है सूरज चमक रहा है बगैर रस्सी फिक्स किए लोग ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन ये जर इससे से निकल हुंजा ब्रेड इसको कहते हैं फिटी आप भी मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि क्लाइंबिंग अभी ऊपर के लिए बंद कर दें नहीं नहीं सब वापस वापस जाना बेहतर है क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है नहीं हम अभी सोच रहे हैं कि नीचे अभी बेस कैंप में जा रहे हैं ना हाँ तो कल जाके डिसीजन लेते हाँ, हैं कि नहीं डिसीजन मत लो बस वापस हो जाओ बस चले जाए बस हम अभी भी अभी नीचे बेस कैम्प जा रहे हैं हमारा कैंप टूल इस्टेब्लिश है लेकिन ये है कि देखते हैं नीचे मौसम तो मुझे लगता है ख़राब ही है और ये सही कह रहा है क्योंकि ऊपर बर्फ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डेंजर है एवलॉन्चेस का सो या लेट्स सी आई मीन इस साल चांस नहीं है इस साल कोई चांस नहीं है बिकॉज स्नो कंडीशन आर रियली रियली बैड एंड द वेदर कंडीशन आर सुपर स्ट्रेंज वेदर पैटर्न इतना मुख्तलिफ है कि कुछ समझ नहीं आती कभी सूरज निकलता है थोड़ी देर में बर्फबारी होती है और थोड़ी देर में बिल्कुल मौसम क्लियर हो जाता है हवाएं चलती हैं कुछ समझ नहीं लगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और ऐसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको कम से कम एक हफ्ते का बिल्कुल क्लियर मौसम चाहिए लेट्स सी एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम एक्सपीडिशन मेंबर्स ने बेस कैंप का रुख किया ऑस्टिन क्लाइंबर्स के बेस कैंप पहुंचने पर काफी जज्बाती सीन देखने को मिले जख्मी हाई पोर्टर फिदा को सब ने हौसला दिया और जर्मन क्लाइंबर्स ने उसकी बड़े अच्छे तरीके से मरम पट्टी की Close your eyes. Okay, it's right right. Okay. 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 Ja, habt ihr dieses Spray ja. Maybe it's panning. Oh, it was zum Fest. Yeah. Thorsten kidhar hai Thorsten wo raste mein mere piche wahi tha ab green tea pee ke aaya hu ke upar lagta green tea rakh gaya ye austin climber gunther hai jo ke barf mein bure tarike se dab gaya tha iski kuch pasliyan bhi tooti aur paon par frost bite bhi hua lekin phir bhi wo kafi high spirits mein tha ich bin Brooks Günther komme aus der steiermark austria Ich bin 66 Jahre alt und es gibt eigentlich nichts über mich. Wie war das in der Lawine für dich, oder? Ja, das ging schnell. Ich habe 10 Meter über mir habe ich drei Kollegen gesehen und auf einmal ist der Hang runtergekommen. Und dann habe ich nicht mehr geschaut, dass ich
bremsen kann mit den Steigeisen, der Pickel war weg. Und nachher kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich war nie immer bei bewusst. Hab bremst, was gegangen ist, dann bin ich über die Randluft drüber, habe ich. Ja, man denkt, jetzt ist aus, aber es war nicht aus. So schnell ist das gegangen, ich meine, ich kann nicht mehr, gar nicht mehr sagen. Und dann bist du da liegen geblieben im Final? Na, dann hat mich einer von den Trägern, hat mir einen Fuß ausgezogen, der war ziemlich eingezwickt. Aber ich habe mich Gott sei Dank nicht weh getan. Es ist alles gut ausgegangen. Und dann haben wir in der Nacht haben wir in einer Schneehöhle geschlafen. Da habe ich mir meine Zeichen reinramponiert. Aber jetzt, ich glaube, es geht wieder. So einigermaßen. Und am nächsten Tag, was war da dann? Na ja, da sind wir, bin ich die 200 Meter wieder rauf und zu den anderen Kollegen. Und dann ist eigentlich, da habe ich erst herunten gesehen, was los ist mit meinen Zeichen. Und jetzt im Nachhinein, wie geht's dir da? Na, jetzt tut mir alles, jetzt Bein, Muskel, alles tut mir weh. Aber jetzt habe ich einen Prüfel genommen und jetzt ist relativ ruhig. Nimm mir auf die Nacht noch eins und morgen in der Früh auch gleich eins, nachher geht's schon. Wie denkst du jetzt über die ganze Expedition und über das, dass ihr nicht auf den Gipfel gekommen seid? Naja, wie denke ich? Ich habe Glück gehabt. Das ist mir eigentlich, der Gipfel ist nicht unbedingt das Ziel. Es war das Hereinfahren schon schön. Das hat mir eigentlich, die Zufahrt war super. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt hat man eigentlich, es macht mir nicht allzu viel aus, dass ich nicht raufgekommen bin. Es tut mir weh, aber du kannst eben nichts machen. Der Weg ist das Ziel. Würdest du eventuell wiederkommen nächstes Jahr? Oder? Das weiß ich noch nicht. Das kommt auf die finanzielle Lage an. Aber das Hereinfahren hat mir auf jeden Fall Eindrücke gemacht. Das war gigantisch. Und ich will ja nicht nur Bergsteigen, ich will ja für Land und Leute was sehen. Und da habe ich genug gesehen. Nicht? Jetzt, wenn wir sagen, wenn wir so rausgekommen wie einer, war das natürlich herrlich. Dann kompensiert sich das. Das ist eben, Sport ist gesund. We were on our way to acclimatize on the southeast ridge, which is the normal way. And we were just staying at the camp 3, having a rest day there before trying to climb the summit on the next day, when Michi suddenly got up next to me screaming avalanche, avalanche, and he jumped out of the tent. At first I thought he was joking. I looked outside and I saw that there was actually an avalanche going down. We both jumped out of the tent and in seconds we put on our clothes and shoes and got ready for a rescue action. The avalanche was going down for like about 300 meters and we could already see that there were at least two people that were dragged down so far. Yeah, I was in the middle part of the avalanche and I saw Fadil, the high altitude porter, and also an old member of the Austrian Spantik expedition. He's called Gunter. And they both of them were very shocked. Fidal had some injury on his head, but nothing inside, only outside. And I was also a little bit shocked, but I was okay, and I gave them something to drink, keep them warm. And then I went down to the drop, where I saw Julian and Matthias working with Armin, and they told me that we need more people to bring him out, but it wasn't possible to get people. So we decided to stay there 2 days. First we decided to stay there and call a helicopter. But it wasn't possible because it was already late and bad weather, so the helicopter couldn't come. And then, like Matthias told you already, we had to stay there 2 nights and 2 days. So it was very hard for us to
work with Armin without any good medicine. But at least the helicopter came and we were okay. It was very hard for me because the helicopter told us that he can only take three persons, and we were four of us, and we were all afraid that we cannot come down with it. And like they told it, Matthias and me was sitting in helicopter, and the pilot told one person has to go out. So I went out. I was so afraid that they won't come. I was crying there, totally shocked. And then I had to wait there 3 hours. 3 hours was so long, like 24 hours in the real time. And I was so afraid that I won't come. But finally they came and everything was okay. Armin went to Skardu, then to Islamabad and to Austria. So I think all the members had so big luck that we survived, and we worked very good together. It was very good. आज चावल है सर, चपाती है और दाल है, सूप है। हम खाने नहीं दे रहा, उसकी फोटो में बनाई जा रहा है। ये कोई आम आम नहीं है, ये बेस कैंप की आम है। I want meat, but the next chicken is 2 days walking from here. So yeah, I want so, meat too, man. So chapati and dal is cool, but I'm looking forward for some real meat when we are back. And a hot shower. Oh yeah, that we'll get in Kapita, the Shong. Yes, the Shong. The Shong, yeah, hot spring. मैंने सुबह कपड़े धो के डाले थे और शाम हो गई और अभी तक उसी तरह पड़े हुए हैं। But I'm not in a mood to do laundry when the wind is blowing 70 miles per hour. No. बेस कैंप में अब बहुत फरागत थी, इसलिए चाय और गपशप के काफी दौर चलते रहे। खवातीनो हजरात, स्पांटिक बेस कैंप से सलाम। हम स्पांटिक की चोटी सर नहीं कर सके, उसकी काफी सारी वजूहात थी। एवलॉन्च, एक्सीडेंट, ख़राब स्नो कंडीशंस, ख़राब मौसम, जो कि इस साल बहुत ही अनप्रडिक्टेबल था, बहुत ही अजीब व गरीब था, जिसकी वजह से स्नो कंडीशंस भी ठीक नहीं थी और काफ़ी ख़तरात थे, जिनका हमें पता चला यहाँ पे आके जब एक्सीडेंट हुआ। खैर, स्पांटिक तो हम क्लाइम नहीं कर सके, लेकिन यह है कि वी हैड लॉट्स ऑफ एडवेंचर। हम पहाड़ पे गए, हम कैंप 2 हमने इस्टेब्लिश किया, क्लाइंबिंग की, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, काफ़ी कुछ सीखा इस ट्रिप पे। एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि मुहिमजोई और एडवेंचर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गैर ज़रूरी ख़तरात नहीं मोल लेने चाहिए। हमें पता था कि हम इस साल नहीं क्लाइंब कर सकेंगे, क्योंकि अभी भी, हालांकि 3 दिन से मौसम साफ है बेस कैंप पे, हम दोबारा जा सकते हैं, लेकिन स्नो इतनी, कंडीशंस इतनी ख़राब हैं
कि वो अपने आप को मौत के हवाले करने के मुतरादिफ होगा. इट इज़ दैट बैड. आज ऑस्ट्रियन और जर्मन एक्सपीडिशन जा चुके हैं, हम लोग कल निकल रहे हैं वापस अरंदू और फिर स्कर्दू के लिए. आई होप यू हैड फन, आई होप यू वर थ्रिल्ड टू सी दिस शो. एनीवे वी आर हियर एट द बेस कैंप, इट्स ब्यूटिफुल आउटसाइड. स्पांटिक इस वक्त नज़र नहीं आ रही, वो जब कल हम ग्लेशियर पर उतरेंगे तो नज़र आएगी. बाकी बस मैं आपसे खुदा हाफिज़, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहता हूँ. And I hope that you will also climb one day after seeing this show, because I think adventure makes you live on the edge, and living on the edge is when you really feel alive. So basically, hum summit pe to pahunch nahi sake, lekin main ye kahunga ki you live to climb another day. अगले दिन ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन के मेंबर्स ने अपना शुक्रिया अदा करने के लिए तमाम एक्सपीडिशन के क्लाइंबर्स और पोर्टर्स को चाय पर मधु किया. और बिलाखिर हमने अपना सामान बांधा और एक उदास सी खुशी के साथ स्पांटिक के खूबसूरत पहाड़ को खुदा हाफिज कहा. Can you see that crevasse? Yeah. कोई इसमें जाए फिर बाहर नहीं आएगा. That's gnarly, dude. Gnarly, warly. मैं अपनी वॉकिंग स्टिक पीछे भूल आया था, उसको वापस लाने के लिए मुझे काफी पापड़ बेलने पड़े और काफी खतरनाक crevasses क्रॉस करनी पड़ी हैं. But I've got my stick back. Cheers. Baby, baby, I'm gonna leave you. थोड़ी नाखुशी और तो है डेफिनेटली कि इस साल मैं स्पांटिक सबमिट नहीं कर पाया, बिकॉज ये मेरा दूसरा एक्सपीडिशन था स्पांटिक पर. और Unfortunately, इस बार फिर कैंप टू से वापस आना पड़ा. कुछ मौसम ने साथ नहीं दिया और कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, लाइक ऑस्ट्रेलियन एक्सपीडिशन के कुछ मेंबर्स एवलॉन्च की जद में आ गए. उनमें से एक खासा ज़ख्मी हुआ जिसे कि रेस्क्यू भी किया गया हेलीकॉप्टर से. मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा फिर कंडीशंस कुछ ख़ास हमारे फेवर में नहीं रहीं. वेल
aur mera khayal hai ke like they say ke these are huge mountains and they definitely deserve respect. So mera ye khayal hai ke kuch arse tak shayad mujhe Spantik pe dobara nahi aana chahiye. It definitely deserves the due respect. I won't come to Spantik for few more years, but I will definitely try to submit it again. Looking at it now, I also see a lot of elements coming together. The other teams were bound to leave on schedule the mountain. We would have been the only team up on the slopes. So if something would have happened, it would have been very difficult for us. The avalanche danger was probably reduced, but there was still a lot of snow up there. So there was a level of, we probably would have not made it to the summit with over a meter of snow that we would have walked through. Altogether, very difficult conditions this year. Nevertheless, it didn't feel good to leave the mountain without being up a bit more. But I enjoyed the exhibition tremendously. It's not only about the summit, it's also about testing yourself in difficult conditions. It's about going to your own personal limits. It's about leaving everything you're used to in your normal life. We hardly had meat for 2 or 3 weeks to start with. Chapati, dal and rice and vegetables was our main food. And so I lost a few kilos as well, which was a good side effect of it. And you just appreciate your normal life in a way. It's also better once you've been out there and living with just much, much less, and where you focus much more on, well, I wouldn't say your survival, but simple things like cooking food, being warm in your tent, making sure you still healthy and you can do the job that you want to do on the mountain. And it was good.